वेट कर रहे हैं कि एक कार सर्विस है जो कि पिंडी पॉइंट लेके जाती है, नई जोड़ी भी आई है, तो उसका हम वेट कर रहे हैं। तो जब वो कार आए तो फिर हम उस पर बैठ के तो पिंडी पॉइंट जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा घोड़ा, और ये मुझे देख भी रहा है। ये देखें, ये माटा वाटा तो नहीं है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और ये बड़े नाइस घोड़े, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, सुलझे हुए घोड़े हैं बिल्कुल भी। वो मुझे देख रहा है मुड़ के। हेलो, क्या हाल है आपका? क्या हाल है आपका हैं, कैसे हैं आप? ये सामने आप व्यू देख सकते हैं कि पिंडी पॉइंट से व्यू भी बड़ा अच्छा आ रहा है। ये पहाड़ और काफ़ी सारा जो है ये व्यू, पीछे पहाड़ी पहाड़ है और जंगल है, और हवा यहाँ से और ठंडी होके आ रही है, जंगल के थ्रू जो होके आ रही है। ये बड़ा अच्छा मुकाम है सैर करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये लोग खड़े हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र है, वो फ़ोटोग्राफ़ी की सर्विसेज दे रहे हैं, और ये जो है ये तीरंदाजी की जो है खेल यहाँ पे मौजूद है, और आप यहाँ पे आएँ तो तीरंदाजी कर सकते हैं। ये अभी आपको डेमो दे के दिखाएंगे। ये देखें, ये जो है कमान में तीर लगा रहे हैं, और ये अभी निशाना लगा के, ये देखें क्या निशाना लगाया आपने, बड़ा ज़बरदस्त निशाना आपने लगाया है। तो जो लोग भी यहाँ के इस दिलचस्प खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे पिंटी पॉइंट पे आएँ, यहाँ काफ़ी मज़ा आता है, खाने पीने की शॉप्स हैं, फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं, और तीर अंदाजी वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं यहाँ पर तकरीबन ये जब से ड्रामा शुरू हुआ है मैंने ये काम शुरू किया है। अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम ठीक है, लोगों को तीर अंदाजी सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो लोग कैसे लगाते हैं निशाना, अच्छा लगाते हैं या आपको? सीख लेते हैं एक दो निशाने में, एक दो निशाने में वो सीख लेते हैं। तो कितना आप चार्ज करते हैं निशाने का? मैं एक निशाने के 20 रुपए लेता हूँ, तीन निशाने के। अच्छा, एक निशाने के 20 रुपए लेते हैं ये लोग, तीन निशाने के कितने? 50 रुपए। अच्छा, वो जो है वो रेट लगा हुआ है यहाँ पे जिस पे लिखे हुए हैं शूट और इनका रेट। ये देखें जी, ये इनका रेट है, और ये तलवार है। हाँ, और ये जो है इनके पास इस साइड रोशनी में हो जाए। ये देखें जी, अर्तुगरुल की तलवार ये चेक करवा रहे हैं, और ये आई थिंक इन्हें इसलिए रखी हुई है कि जी जिन जिन ने फोटोग्राफी करवानी है यहाँ पे, तो वो इसके अर्तुगरुल की तलवार के साथ जो है वो फोटोग्राफी करवा सकते हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया। ये झूले वाले यहाँ पे काफ़ी जो हैं वो दिखाई देते हैं, और ये बच्ची इतनी प्यारी सी यहाँ बैठी है, क्या नाम है आपका? खतीजा। कितनी आप प्यारी बच्ची हो। तो यहाँ आप क्या कर रही हो, आपके किधर है आपका घर? आगे। अच्छा, तो आप एंजॉय कर रही हो यहाँ पिंडी पॉइंट पे बैठ के? अच्छा, अपनी आईज आंखों का कलर तो दिखा दो, कितना प्यारा है। ये देखें जी व्यूअर्स, ब्लू आंखों वाली बहुत प्यारी बच्ची है ये। ओके जी, खुदा हाफिज़ खतीजा। खुदा हाफिज़ तो आपका हो ना, खुदा हाफिज़ बोलो ना। खुदा हाफिज़। अरे वाह जी। हाँ जी, ये लोग लकी ड्रॉ यहाँ करवा रहे हैं पिंडी पॉइंट पे, ये तरह तरह की गेम्स और पजल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि ये लकी ड्रॉ करके, तो यहाँ पीछे जो है वो गिफ्ट्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, पैंडास। हाँ जी, तो ये जो है ये पैंडे वगैरह और स्टफ टॉयज यहाँ पड़े हैं। लकी ड्रॉ आप कैसे करते हैं? ये डाइस ऐसे फेंकेंगे, नंबर अकाउंट करेंगे, जो नंबर आएगा वो इनाम आपको दे देंगे जी। इस तरह जी, बस इतनी। अच्छा, इस पे जो नंबर आएगा, हाँ जो नंबर आएगा उनमें से फिर इन यहाँ पे प्राइस निकल आएगा, और यहाँ पे जो है ये प्राइस लिस्ट भी मेंशन्ड है। बहुत अच्छी जी। तो कितने पैसे लेते हैं? 200 लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये लकी ड्रॉ जो है वो कराया जाता है। ये देखें, ये आगे भी है, और यहाँ पे भी लकी ड्रॉ में की ही चीज़ें पड़ी हैं। ये लकी ड्रॉ की जो है वो लिस्ट मौजूद है, यहाँ रुपीज़ प्राइस रेट लिस्ट मौजूद है, और सामने जो है वो प्राइस भी लिखा हुआ है कि क्या क्या निकलेगा। हाँ जी, ये मेन बाज़ार है जी पिंटी पॉइंट का, और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट जो है वो बाय वन गेट वन फ्री है शॉप पे, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये चेक करें जी, ये काफ़ी भरा हुआ बाज़ार है। यहाँ पे एक और जो है वो गेम वाली जो है शॉप है, लकी ड्रॉ वाली शॉप है,
और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ काफ़ी मौजूद हैं, जिनमें गोल गप्पे शामिल हैं, बर्गर्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, काफ़ी भरा हुआ बाज़ार है ये पिंडी पॉइंट पे। यहाँ स्लश भी मौजूद है, कॉफ़ी भी मौजूद है, आइसक्रीम, समोसे वगैरह मौजूद है। क्या क्या यहाँ मौजूद है? समोसे, पकौड़े, गोल गप्पे, चना चाट, दही भल्ले, फ्रूट चाट और देसी चटनी मौजूद है स्पेशल स्पाइसी। क्या बात है जी, व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये इतनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और हर चीज़ एक से एक बढ़कर शानदार, हर चीज़ एक से एक बढ़ के जो है वो मौजूद है यहाँ पे। ये देखें जी, काफ़ी अच्छी जगह है ये पिंडी पॉइंट और बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मीना बाज़ार होता है। ये आप देख सकते हैं कि हर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा जो है वो स्टॉल बना हुआ है, स्टॉल्स हैं और सिटिंग एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि ये शॉप कितनी अच्छी है, कितने अच्छे अंदाज में। कॉफ़ी, पकौड़े, गोल गप्पे कुछ खा पी लें, कॉफ़ी या चाय। अच्छा जी, ठीक है, ये भी इनका छोटा सा स्टॉल है, काफ़ी चीज़ें इनके पास भी मौजूद हैं। और आगे चल के हम देखते हैं तो ये घोड़े खड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं पिंडी पॉइंट से, जिस जिसने घोड़े पे बैठ के राइड करनी है वो सर्विस यहाँ पे जो है वो मौजूद होती है। ये देखें जी, ये सारे यहाँ पे घोड़े खड़े हैं और जिन जिनने यहाँ हॉर्स राइडिंग करनी है वो यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। अच्छा, चेयर लिफ्ट, तो ये देखें चेयर लिफ्ट जो है इस साइड पर, यहीं आगे चेयर लिफ्ट है पिंडी पॉइंट और यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाके जो है वो जगह आती है और यहाँ पे घोड़े भी खड़े हुए हैं। ये कितना ले लेते हैं एक राइड का? 300 रुपये लेते हैं राइड का, लंबी राइड का। अच्छा, लंबी राइड का जनाब ये 300 रुपये लेते हैं। और ये घोड़े आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे और बहुत अच्छे जो हैं घोड़े हैं, तो पढ़े लिखे, ये कह रहे हैं कि जी पढ़े लिखे घोड़े हैं, ये समझदार घोड़े हैं। हाँ जी, तो मैं और अम्मी जो हैं वो पिंडी पॉइंट पे जो है वो एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चेयर लिफ्ट के, आप व्यू जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। काफ़ी सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो अभी हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और नीचे जाके जो है वो एरिया वो मैं आपको जाके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये हमारी चेयर लिफ्ट जो है वो केबल कार पे पहुंच चुके हैं और अब हम जो है आपको चेयर लिफ्ट पे बैठ के तो बताते हैं। ये है जी यहाँ का बुकिंग ऑफिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख़रीदा हुआ टिकट वापस नहीं होगा और यहाँ से जो है आप चेयर लिफ्ट पे बैठने से पहले आप यहाँ से जो है वो टिकट ले लेते हैं। टिकट फ़ीस हमारी 500 रुपये है, खिड़की छोड़ने से पहले बकाया रकम चेक कर लें। हाँ जी, 2 टिकट चाहिए जी। जी, फ़ी टिकट जो है वो 500 रुपया है, ये लें जी 1000 जी। हमें 2 जो है टिकट मिल चुके हैं चेयर लिफ्ट के और मैं और मेरी अम्मी जो हैं वो चेयर लिफ्ट में बैठने लगे हैं। टिकट मैंने ख़रीद ली है, यहाँ से जो है वो एंट्री है, टिकट वाले हजरात इधर से एंटर हैं, ये देखते देखते यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चेयर लिफ्ट जो है ये नज़र आ रही है, सिर्फ 2 साल का बच्चा इस पर लिखा हुआ है नाजरीन कि उसको फ्री में बैठने देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो चेयर लिफ्ट पे बैठ रहे हैं। ये लें जी, हमने इन्हें अपने टिकट्स दे दिए हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सामान है हमारे पास, क्या ये कहीं रखवाया जा सकता है? कहाँ पे? ये आगे पकड़ा रहे हैं बच्चे को। अच्छा, ये लेने रिटर्न टिकट आप? जी, ये रिटर्न टिकट इन्हें हमें दिए हैं और आगे ये जो है ये सामान जो है वो हमारा रख सकते हैं। अगर आप लोग शॉपिंग कर ली आपने रस्ते में तो इसे अच्छी तरह अगर आप गिरा बांध लें ऊपर। हाँ, गिरा बांधें जी, गिरा बांध लें, इसमें 3 सूट हैं। हाँ जी, तो सेफ है क्या? सेफ रहेंगे सूट? इंशाल्लाह सेफ रहेंगे। चले जी, अब हमारी बारी है। हाँ जी, ये आप सामने से व्यू देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त व्यू है सामने से। यहाँ बड़ी अच्छी, ये नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे से रोड और उस पे से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लोग आए हुए हैं, फैमिलियाँ आई हुई हैं, वो चेयर लिफ्ट एंजॉय कर रही हैं
और सारे लोग जो हैं वो बहुत मज़े में है इस टाइम। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ से जो हैं वो टूरिस्ट जो हैं वो वापस जा रहे हैं। ये आने और जाने का टिकट हमने लिया है। हम नीचे जाते हैं और नीचे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। ये हम सीढ़ियों से नीचे आए हैं और ये कैफेटेरिया का बारे में यहाँ लिखा है, खुश आमदीद यहाँ लिखा। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को चेयर लिफ्ट की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। ये आप देख लें कि ये चेयर लिफ्ट की यहाँ पे फ़ोटो भी बनी हुई है। पिकनिक पॉइंट हम आए हैं और यहाँ नज़र आ सकता है कि काफ़ी जो है वो चेयर और टेबल्स लगे हुए हैं और यहाँ कैफेटेरिया जो है वो मौजूद है, जहाँ पे आप अपनी थकावट उतार सकते हैं और फैमिली के साथ जो है वो खा पी सकते हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो इस कैफेटेरिया पे क्या क्या मिल जाता है आपको? मैंगो शेक मिल जाएगा, मैंगो शेक जी, कोल्ड कॉफी मिलेगी, कोल्ड कॉफी, चना चाट मिल जाएगा, गोल गप्पे, आइसक्रीम वगैरह, मिल्क शेक्स वगैरह जो है वो, चाय भी यहाँ मिल जाएगी, कश्मीरी चाय भी मिल जाएगी, हॉट चॉकलेट है, हॉट चॉकलेट। तो ज्यादातर जो यहाँ लोग सैर करने आते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं? हर आदमी का अपना टेस्ट है, अपने हिसाब से। अच्छा, सब अपने हिसाब से, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं और अमी जो है वो मैंगो मिल्क शेक पीना चाहेंगे, तो दो मैंगो मिल्क शेक आप कर दें। ठीक है जी, ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब आगे हम राइड लेंगे वापस जाने की तो फिर आपसे मुलाकात होती है। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये साथ ही जो है वो घोड़े वगैरह और टूरिस्ट जो है वो जा रहे हैं। बारिश शुरू होने वाली है व्यूअर्स, और यहाँ से हम गाड़ी में बैठे हैं और अब हम यहीं पे वापस आ गए हैं और अब हम मॉल रोड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पे अभी अभी हम बैठे थे और इस गाड़ी से अभी अभी हम उतरे हैं। ये बारिश शुरू होने वाली है, बारिश शुरू होने वाली है। पिंडी पॉइंट से अभी अभी हम वापस आए हैं, बस अब होटल में जा रहे हैं। बस अब हम होटल में जा रहे हैं और वापस जाके तो चाय पियेंगे और रेस्ट करेंगे। पाँच मिनट में आ गया।
Thank you.